में लर्न करेंगे चंद्र बिंदु वाले शब्द, ओके, जिसको अनुनासिक भी बोला जाता है, ओके, अनुनासिक और चंद्र बिंदु वाले शब्द। तो स्टूडेंट, ये चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु कैसा होता है, यहाँ पे ब्रैकेट में देख सकते हो, चंद्र बिंदु यानी कि चंद्र जैसा शेप होता है, उसके अंदर बिंदु यानी कि डॉट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मून है, ओके, तो ऐसा शेप होता है मून जैसा, आप यहाँ पे पिंक कलर में देख सकते हो सी जैसा, और फिर उसके स्टार है अंदर, वैसे एक डॉट होता है अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं चंद्र बिंदु, और इसको अनुनासिक भी बोला जाता है, यानी कि जब भी हम लोग ये चंद्र बिंदु वाले अनुनासिक को हम लोग उच्चारण करते हैं, ओके, यानी कि जब हम प्रनाउंस करते हैं, इसको प्रनाउंस करते समय हमारी नासिका का और माउथ का ज्यादातर यूज होता है, इसीलिए इसको अनुनासिक बोलते हैं। नासिका में से आवाज आती है, साउंड आता है ज्यादा, जैसे कि ये यहाँ पे लिखा है जो शब्द, ओके, वर्ण जो लिखा है चंद्र बिंदु वाला, क्या लिखा है, इसको रीड करते हैं म, ओके, म, तो इसकी उच्चारण करते समय सुंदर नासिका का प्रयोग होता है, इसलिए इसको बोलते हैं अनुनासिक, और चंद्र बिंदु भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसा सी जैसा करके ऊपर डॉट है, यानी कि चंद्र जैसा शेप है, चंद्र और डॉट, इसीलिए इसको चंद्र बिंदु भी बोला जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में लर्न करेंगे अनुनासिक या फिर चंद्र बिंदु वाले शब्द। सो रेडी स्टूडेंट, ओपन योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 60, ओके, इन योर हिंदी टेक्स्ट बुक। तो पेज नंबर 60 पे हिंदी टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो चंद्र बिंदु वाले शब्द, जो अभी हम लोग रीड करना सीखेंगे। सो हियर यू कैन सी पिक्चर्स, ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वर्ण मिला के शब्द कैसे बनते हैं विद द हेल्प ऑफ इस मात्रा, ओके, चंद्र बिंदु, ओके, आज की मात्रा कौन सी है हमारी, चंद्र बिंदु। तो चंद्र बिंदु लगा के हम लोग शब्द बनाना सीखेंगे पहले, फिर शब्द को रीड भी करेंगे। सो हियर विच पिक्चर इज दिस, पिक्चर ऑफ कैमल, जिसको बोलते हैं ऊंट, ओके, ऊंट। तो यहाँ पे ऊ है, बड़ा ऊ, और फिर है ये चंद्र बिंदु। स्टूडेंट, जो पिंक कलर से जो बताई गई है डिजाइन, जो आप समझ रहे हो वो है मात्रा, चंद्र बिंदु है पिंक कलर वाली। सो ऊ फिर चंद्र बिंदु, यानी कि ऊ में लगेगा चंद्र बिंदु, ओके, सो ऊ में लगेगा चंद्र बिंदु, फिर ट, यानी कि ऊंट, ओके, ऊंट रेट किया जाता है ऊंट है। इस पिक्चर इज दिस, यस, मून, जिसको बोला जाता है चांद, हिंदी में चांद बोला जाता है। तो कैसे लिखेंगे चांद, तो चा, च प्लस आर, चा, ओके, च प्लस आर क्या होगा, चा, फिर उसमें लगेगा चंद्र बिंदु, ओके, तो ये चंद्र बिंदु है जो चा के ऊपर लगेगा, तो ये बन गया च, च प्लस आर, चा, और उसके ऊपर चंद्र बिंदु लग गया तो चांद, फिर द, तो चांद, ओके, चांद, उन, चांद। एंड हियर रिंग है, जिसको बोलते हैं अंगूर की हिंदी में, सो अंग, अंग कैसे लिखा जाएगा, अ, उसके ऊपर चंद्र बिंदु, फिर द, उनकी मात्रा, ओके, बड़े उनकी मात्रा, एंड में बड़ी ई की मात्रा, तो ठीक, अंगूठी, अंगूठी, डन, ऊन, चांद और अंगूठी, ओके, तो ये वर्ण में हमने चंद्र बिंदु लगा के शब्द कैसे बनते हैं, कैसे उसको रीड किया जाता है वो हमने देखा। अभी कुछ शब्द है हमारे पास नीचे, वो हम लोग रीड करना सीखेंगे। सो स्टूडेंट, नीचे आप देख सकते हो कुछ शब्द है, पढ़ो लिखा है, यानी कि रीड करना है हमें वहां पे। तो ये लिखा है म, ओके, म, म के ऊपर चंद्र बिंदु है, म, देन स के ऊपर, सा के ऊपर चंद्र बिंदु है, तो सिर्फ सा नहीं, स, ओके, स, देन ग, गा, गा, व, और गा के ऊपर चंद्र बिंदु है, तो ग, क्या होगा, ग, फिर क, हा, हा के ऊपर चंद्र बिंदु, यानी कि क, हा, क, हा, देन और बू के ऊपर चंद्र बिंदु है, तो बुंद, क्या होगा, बुंद, सिर्फ बूंद नहीं, बुंद ऐसे आएगा, बुंद, ओके। आप देख सकते हो कि ये सभी वर्ड रीड करते टाइम नासिका
के शब्दों को मिला के क्या बनता है? वाक्य। ओके, और बहुत सारे वाक्य मिलके पैराग्राफ बनता है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे शब्द मिलके वाक्य है और बहुत सारे वाक्य भी है, पूरा पैराग्राफ है, पूरी स्टोरी है। ओके, कहानी जैसा है छोटी सी, तो भी हम लोग वो देखेंगे। और यहाँ पे पिक्चर भी है। ओके, मम्मी है और उसके चाइल्ड है, चिल्ड्रन से यहाँ पे। तो चलो रीड कर लेते इसको, आप लोग भी मेरे साथ रीड कीजिएगा। ओके, मेरी 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 स्टूडेंट, पहले तो आपको आगे की जो जितनी भी मात्रा है, ए की मात्रा, बड़ी छोटी उनकी मात्रा, वो सब मात्राएं आपको याद होनी चाहिए और उसको रीड करना भी आना चाहिए, उसके बाद ही आप ये सब रीड कर पाओगे। ओके, सेम वन में आपने मात्राएं सीखी है ना, तो रीडिंग प्रैक्टिस करना भूलना नहीं है आपको। मेरी माँ सबसे सुंदर सुंदर है। ओके, यहाँ पे खड़ी पाई, यानी कि यहाँ पे वाक्य खत्म होता है। मेरी माँ सबसे सुंदर है, मेरी माँ सबसे सुंदर है। ये बॉय जो है वो क्या कह रहा है कि मेरी माँ जो है, मेरी मदर जो है, वो सबसे सुंदर है, यानी कि ब्यूटीफुल है। वे कल अपने अपने गांव, ये क्या लिखा है, गांव, जो शब्द हमने यहाँ पे रीड किए, गांव। ओके, चंदपुर, चांद, यहाँ पे देखो चांद, चांदपुर, यहाँ पे चंद्र बिंदु है गा के ऊपर और यहाँ पे चा के ऊपर, और यहाँ पे ए के ऊपर है। सो अपने गांव चांदपुर जाएगी, जाएगी। ओके, तो उसकी जो माँ है, ये जो बॉय है, लड़का है, उसकी जो माँ है वो कल कहाँ पे जाने वाली है, चांदपुर, अपने गांव चांदपुर जाएगी। वे कल अपने गांव चांदपुर जाएगी। ओके, ये जो बॉय है वो क्या कह रहा है, ये लड़का, कि मेरी माँ सबसे सुंदर है और वो कल अपने गांव चांदपुर जाएगी। तो उसकी मम्मी का गांव कौन सा है, उसका नेम क्या है, चांदपुर। ओके, ये आपको याद रखना है, उसकी मम्मी के गांव का नेम है चांदपुर। ओके, तो ये लड़के की मम्मी कहाँ पे जा रही है, अपने गांव, उस गांव का नेम है चांदपुर। वहाँ भांति भांति के पेड़ है। ओके, यहाँ पे हाँ के ऊपर और यहाँ पे भा के ऊपर चंद्र बिंदु है, तो भांति भांति, वहाँ भांति भांति के पेड़ है। भांति भांति यानी कि डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग टाइप्स के पेड़, यानी कि ट्रीज है। ओके, कहाँ पे है, चांदपुर में। ओके, इस लड़के के मम्मी का जो गांव है चांदपुर, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, यानी कि भांति भांति के पेड़ है, ट्रीज है बहुत सारे। वहां पर हम सब पेड़ की छांव में बांसुरी, क्या लिखा है, बांसुरी, छांव बांसुरी बजाएंगे, बजाएंगे। ओके, छांव बांसुरी यहाँ पे बजाएंगे। ओके, तो वहां पे ये लड़का क्या कह रहा है कि वहां पर हम सब पेड़ की छांव में, ओके, बहुत सारे ट्रीज है ना डिफरेंट डिफरेंट, तो ये लड़का सोच रहा है कि वहां पे जाके हम लोग पेड़ के नीचे, ओके, पेड़ की छांव में बैठकर क्या बजाएंगे, बांसुरी बजाएंगे। ओके, फ्लूट, यानी कि बांसुरी, फ्लूट, ओके, म्यूजिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है बांसुरी। ओके, फ्लूट, तो यहाँ पे देख सकते हो बॉय जो है वो पेड़ के नीचे बैठ के बांसुरी बजा रहा है। ओके, बांसुरी इट्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फ्लूट जिसको बोलते हैं फ्लूट। तो वहां पे बैठकर पेड़ की छांव में हम सब बांसुरी बजाएंगे। हम सब हंसते गाते खूब खेलेंगे और मजे करेंगे। ओके, हम सब हंसते गाते खूब खेलेंगे और मजे करेंगे, फिर वहां पे हम लोग खेलेंगे भी डिफरेंट डिफरेंट गेम्स। ओके, प्लेइंग करेंगे और मजे करेंगे, इंजॉय करेंगे। ओके, तो ये जो लड़का है यहाँ पे कुछ बता रहा था आपको, क्या बताया आपको उसने, कि मेरी माँ सबसे सुंदर है और वो कल अपने गांव चांदपुर जा रही है। ओके, कहाँ पे जा रही है, मम्मी अपने गांव जा रही है जिसका नाम है चांदपुर, और वहां पे क्या है चांदपुर में, कि डिफरेंट डिफरेंट पेड़ है, भांति भांति के पेड़ है, ट्रीज है, और वहां पे जाके वो लोग क्या करने वाले हैं, चांदपुर जाके पेड़ के नीचे बैठकर छांव में
बांसुरी बजाएंगे और क्या करेंगे, हंसते गाते खेलेंगे और इंजॉय करेंगे। तो स्टूडेंट आपको भी एक एक लेटर रीड करना है और उससे पहले आपको आगे की सभी मात्राएं आनी चाहिए। अगर नहीं आती है अभी भी तो आप घर पे रीडिंग प्रैक्टिस कीजिए, ओके, रफ नोट में लिखने की भी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे प्रीवियसली मैंने आपको बताया कि वर्णमाला में यानी कि क ख ग घ जितने व्यंजन है उसमें मात्राएं लगाए सभी वर्णों में और लिखने की और रीडिंग करने की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप डेफिनेटली ये सब रीड कर पाओगे। ओके, थैंक यू।